थ्योरी ऑफ मनी एंड फिशर कैम्ब्रिज में आज हम पढ़ेंगे फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की आलोचनाएं, क्रिटिज्म ऑफ फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें हमारी छह आलोचनाएं दे रखी है। उसमें फर्स्ट है अनरियलिस्टिक असम्पशन, सेकंड है लॉन्ग टर्म थ्योरी, थर्ड है नो नीड ऑफ सेपरेट थ्योरी, फोर्थ है इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिफ्थ है इट डज नॉट करेक्टली मेजर द परचेजिंग पावर। ये क्या होता है कि जो परचेजिंग पावर होती है उसको करेक्टली मेजर नहीं कर पाती, इट इग्नोर द स्ट्रॉन्ग मनी। ये आपकी छह आलोचनाएं हैं। उसमें से फर्स्ट देखते हैं हम, जो सबसे पहले है अनरियलिस्टिक असम्पशन, जिसे हम अवास्तविक मान्यताएं भी मानते हैं। इस सिद्धांत में मुद्रा को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व जो होते हैं, अनेक एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं फिक्स्ड मान लेते हैं। इन वास्तविक मान्यताओं ने इस सिद्धांत को अव्यवहारिक बना दिया। जो ये मान्यताएं हैं अनरियलिस्टिक्स हैं, इन्होंने ही इसे क्या कर दिया है अव्यवहारिक बना दिया है। एग्जाम्पल के लिए व्यापार की मात्रा जो होती है, हमारा जो बिजनेस होता है वो जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो परिवर्तनशील होता है। मूल्य जो हमारा प्राइस होता है उस प्राइस को हम क्या कहते हैं इनएक्टिव मान लेते हैं। वास्तविक मुद्रा में साख मुद्रा की चलन गति भी स्थिर नहीं होती। जो हमारी रियल मनी होती है और जो हमारी क्रेडिट मनी होती है वो दोनों कैसी होती है, वेलोसिटी उनमें नहीं होती है। साख मुद्रा और वैधानिक मुद्रा में निश्चित अनुपात स्थिर नहीं रहता। जो हमारी साख मुद्रा होती है, जो वैधानिक मुद्रा होती है, उन दोनों का जो रेशो होता है वो भी क्या होता है फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। इसमें क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कि पूर्ण रोजगार की जो स्थिति होती है वे एक अवास्तविक अनरियलिस्टिक असम्पशन होती है। सेकंड बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म थ्योरी की। यह जो थ्योरी है वो क्या है दीर्घकालीन सिद्धांत के पर आधारित है। इस सिद्धांत की मान्यता दीर्घकाल में सत्य सिद्ध नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि व्यापार जो होता है हमारा वो अल्पकाल में थोड़े टाइम में ही क्या होता है परिवर्तनशील होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा ये दीर्घकाल में सत्य सिद्ध नहीं होगी। परंतु मुद्रा मूल्य में दीर्घकाल तक परिवर्तनों का ज्ञान हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आज बिजनेस में प्राइस किसी चीज़ के कुछ चल रहे हैं, कल कुछ और चलेंगे, तो ये हमारे लिए क्या होगा वैल्यूएबल नहीं होगा कि हम जो है प्राइस किसी भी चीज़ के लॉन्ग टर्म के लिए याद रखें, क्योंकि लॉन्ग टाइम में हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। क्या पता किसी चीज़ के प्राइस घट जाए और क्या पता हो किसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाए। अर्थव्यवस्था की अल्पकालीन समस्याएँ अधिक महत्वपूर्ण होती है। सिंपल सी बात है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने आज है उसको हम क्या करेंगे इजीली सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है अल्पकाल की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर हम यही है कि आगे के बारे में सोचते रहेंगे तो इससे क्या होगा जो हमारी अब की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व नहीं हो पाएगी, और उनके ही जो हमारी अल्पकाल की प्रॉब्लम होती है उन्हें ही हमें क्या करना चाहिए एनालाइज करना चाहिए। फिर है इसका नो नीड ऑफ सेपरेट थ्योरी, इसमें किसी पृथक सिद्धांत की हमें आवश्यकता नहीं होती है। यह सिद्धांत मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत को मूल्य के सामान्य सिद्धांत से पृथक मानता है। इसमें क्या मानना है कि मुद्रा का जो मूल्य सिद्धांत है उसको हम सामान्य सिद्धांत से क्या करते हैं पृथक मानते हैं। वह इस कारण होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के मौद्रिक तथा वास्तविक क्षेत्रों को पृथक माना गया। जो अर्थव्यवस्था का मॉनेटरी एरिया होता है और जो रियल एरिया होता है, उन दोनों में क्या होता है डिफरेंस पाया जाता है। वस्तुतः किसी भी वस्तु की भांति मुद्रा का मूल्य भी मांग व पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी वस्तु के क्या होते हैं प्राइस हमारे बढ़ जाते हैं तो हमारा जो मनी का मूल्य होता है वो घट जाता है, और किसी प्राइस के किसी सर्विस के जो प्राइस होता है वो घट जाता है तो हमारे मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो अन्य चीज़ों की भांति जो मुद्रा का जो मनी का मूल्य होता है वो भी क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा इफेक्ट पड़ता है उस पर। अतः मुद्रा के मूल्य निर्धारण हेतु एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। फिर बताया गया है इसमें इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या करता है हमारा जो हमारा ब्याज के प्रभाव का सिद्धांत है उसकी अवहेलना करता है। यह सिद्धांत कीमतों पर ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना करता है। एक हमारे राइटर है लार्डगेंस, हॉटरे, प्रोहायक आदि के अनुसार इस सिद्धांत की धारणा क्या है गलत है, कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक संबंध होता है। उन्होंने बताया कि जो मात्रा हम मानते आ रहे हैं कि जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी होती है और जो हमारा प्राइस लेवल होता है उन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। पर कुछ राइटर्स हैं जो ऐसे कि हार्टरे हैं, हायक हैं, उन्होंने क्या बताया है कि ये जो रिलेशन है ये गलत बताया है।
वास्तव में मुद्रा में होने वाला परिवर्तन ब्याज की दर को प्रभावित करता है। इन्होंने क्या बताया, जितना भी मनी में चेंजेज होएगा उसका जो इफेक्ट होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पड़ता है, तथा ब्याज की दर में होने वाला परिवर्तन और जितना भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेज होगा उसका इफेक्ट जो होता है हमारे प्राइस लेवल पर पड़ता है। मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में पाए जाने वाला संबंध प्रत्यक्ष न होकर इन्होंने क्या बताया है, अप्रत्यक्ष बताया है। फिर है हमारे यहाँ पे, इट डज नॉट करेक्टली मेजर द परचेजिंग पावर, कि मुद्रा की क्रय शक्ति का क्या हो सकता है, इसमें ठीक से मेजरमेंट नहीं हो पाता है। यह सिद्धांत केवल नगद लेन देन की ही गणना करता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा कैश क्रेडिट होता है उसके ऊपर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता, और जो हमारा एक्सचेंज होता है उसके ऊपर भी इसमें फोकस नहीं किया जाता। जबकि हम बात करें आधुनिक युग में व्यापार के अंतर्गत अनेक व्यवहार क्या होते हैं हमारे साथ, जो हमारा क्रेडिट होता है और जो हमारा एक्सचेंज होता है उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि टी में सम्मिलित नहीं होते। टी मतलब जो ट्रांजैक्शंस होता है उसमें ऐड नहीं होते हैं। अतः यह सिद्धांत मुद्रा की क्रय शक्ति को मापकर केवल रोकड़ी स्तर के ही ट्रांजैक्शनल स्टैंडर्ड को मापता है। फिर है हमारा, इट इग्नोर द स्टोर मनी, यह कहता है जो भी हमारी संचित मुद्रा होती है, जो हम मनी सेव करते हैं उसको क्या करता है, इग्नोर करके चलता है। किन्स ने इस सिद्धांत को एक और दृष्टिकोण से असंतोषजनक बताया। उन्होंने क्या बताया, उनका विचार है कि व्यक्ति चलन अथवा साख मुद्रा की सारी रकम वस्तु और सेवाओं पर ही व्यय नहीं करता, वरन वह कुछ ना कुछ क्या होता है अपनी भावी संकट के लिए भी रखता है। सिंपल सी बात है, कोई भी है इनकम की, उस इनकम का हम ये तो नहीं है कि सारा का सारा पार्ट क्या कर देते हैं, हम एक्सपेंस कर देते हैं। उसमें से क्या करते हैं, हम कुछ पार्ट हमारे फ्यूचर के लिए या हमारे साथ कोई कंडीशंस हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए उसके लिए हम सेव करके रखते हैं। जैसे कि अब लॉकडाउन की कंडीशन है, तो अगर लोगों के पास पैसा सेव ना होता तो वो कैसे अपना खर्चा करते। तो उन्होंने यही बताया है कि यह सिद्धांत क्या है, असंतोषजनक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चलन अथवा साख मुद्रा की सारी रकम जो है अपनी वस्तु और सेवाओं पर ही खर्च नहीं कर सकता। उसे कुछ ना कुछ रकम क्या होती है, अपने फ्यूचर के लिए भी क्या करनी पड़ती है, सेव करनी पड़ती है। यह संचय की हुई राशि सामान्य मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जो हमने संचय कर रखा है, जो हमने रिजर्व कर रखा है, यह हमारा जो नॉर्मल रेट होता है उसके ऊपर क्या होती है, कोई इफेक्ट नहीं डालती। अतः इसे मुद्रा मात्रा से कम करना आवश्यक होता है, उसको जो होता है मनी जो हमारी वैल्यू होती है उससे हमें कम करना होता है। थैंक यू।